जैन, ब्लड के पार्ट वन में हम आपको ब्लड के बारे में समझा दिए थे, अब ब्लड के पार्ट टू में हम आपको ब्लड के क्लॉटिंग यानी थक्का बनने के बारे में समझाते हैं। देखिए ब्लड का थक्का क्या होता है, जब कहीं कट जाता है तो वहाँ आप देखे होंगे ब्लड निकलने लगता है, कुछ देर बाद ब्लड जम जाता है, 2-3 दिन बाद वहाँ देखिएगा तो एक पपड़ी जम जाता है रेड कलर का, उसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। अगर यह थक्का नहीं बनेगा ना तो ब्लड निकलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो इसी को कटने के बाद खून का जम जाना रक्त का थक्का कहलाता है। समझ में आ गया आप लोग को? यह रक्त का थक्का कैसे बनता है इसके बारे में समझते हैं। आप इतना जानते हैं कि विटामिन के की वजह से बनता है, बच्चा वाला चीज़ है विटामिन के, समझिए यहाँ ध्यान से। 4 स्टेप में ब्लड जमता है। ब्लड जमने की क्रिया को हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है? ब्लड का जमने की क्रिया कैस्केडिंग कहलाती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग। इट टेक्स 4 मिनट अप्रॉक्स, 4 मिनट का यह समय लेता है ब्लड को जम जाने में। कहीं भी देखिएगा ना, कहीं कट जाएगा तो आप देखिएगा लोग दबा देते हैं, इन्हें कि 2-4 दिन तक दबा के रखते हैं, नहीं 5-10 मिनट दबा के रखते हैं ताकि खून का थक्का बन जाए, फिर छोड़ देते हैं, ब्लड आना रुक जाता है। तो ये था कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो होता है थ्रम्बोसाइट, आप याद कीजिए पार्ट वन में हम बताए थे प्लेटलेट को ही थ्रम्बोसाइट कहते हैं, डेंगू में यही प्रभावित हो जाता है। थ्रम्बोसाइट क्या करता है, जैसे कहीं कटता है तो ब्लड में तो घूम ही रहा है थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट घूम रहा है, WBC भी घूम रहे हैं, RBC भी घूम रहा है, प्लाज्मा भी घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, लेकिन जो मेन फंक्शन यहाँ है वो थ्रम्बोसाइट का है। थ्रम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जैसे कटता है तो वायु के संपर्क में आ जाता है, और वायु के संपर्क में आते वो बन जाता है थ्रम्बोप्लास्टिन। थ्रम्बोसाइट वायु के संपर्क में आते क्या बन जाता है? थ्रम्बोप्लास्टिन। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, ये हो गया थ्रम्बोप्लास्टिन। अब स्टेप टू में चलते हैं, इस थ्रम्बोप्लास्टिन को यहाँ लाते हैं। ये थ्रम्बोप्लास्टिन शरीर के अंदर बैठे हुए कैल्शियम से जाके दोस्ती कर लेता है, और कैल्शियम से जाके कहता है, ए कैल्शियम चचा उठिए, सबसे बड़का दिक्कत हो गया हमारा, कट गया है, चलिए जमाया जाए। तो कहेगा कि हम कैसे जमाएंगे? तो कौन? थ्रम्बोप्लास्टिन कहता है कि हमको एक आइडिया है, हमारे बॉडी में एक कुंभकर्ण है जो सो रहा है, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, इसको उठाइए। तो ये दोनों जाके उठाते हैं प्रोथ्रोम्बिन को, ए उठिए उठिए प्रोथ्रोम्बिन, उठ 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 उठ। तो प्रोथ्रोम्बिन सुतल रहता है, जैसे उठेगा तो उसे कहेंगे थ्रोम्बिन, सुतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, उठ गया तो थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जैसे तुमको कोई उठाए तुम समझ जाना कहीं ना कहीं कट गया है ब्लड में, थ्रोम्बिन उठ जाएगा, कगरी कट गया कट गया, कहाँ गए ये थ्रोम्बिन। अब तीसरे स्टेप में आ जाइए, तीसरे स्टेज में ये थ्रोम्बिन, अब इन लोग का तो काम हो गया, ये थ्रोम्बिन जाके उठाएगा फाइब्रिनोजेन को, कहेगा फाइब्रिनोजेन उठ 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 उठ। फाइब्रिनोजेन को ये जाके उठाएगा, ए उठ उठ उठ। फाइब्रिनोजेन उठ जाएगा, कहे क्या हुआ? कहे कट गई ब्लड निकल, तू कट गया। तब ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन को उठा के एक्टिव कर देता है, जैसे ये एक्टिव हो जाता है तो इसे कहते हैं फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन। और यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये जो फाइब्रिन होता है ये जाली के समान होता है, इस तरह से जाली के समान होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होता है वो जाली के समान होता है। अब जहाँ कटा है वहाँ एक जाली के समान आके फाइब्रिन लग जाएगा, अब उस जाली के पीछे से ब्लड निकलेगा, उसमें WBC फंस जाएगा, RBC फंस जाएगा, प्लेटलेट फंस जाएंगे। तो जैसे ये फाइब्रिन जाली के समान आकृति बनाता है, जो रुधिराणु यानी कार्पल्स हैं, चाहे वो WBC, RBC या प्लेटलेट हो, वो फंस जाएंगे। और जब फंस जाएंगे तो जो तरल पदार्थ है प्लाज्मा वो निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। अब वही फंस के वहीं रह जाएंगे, प्लाज्मा निकल नहीं पाएगा, और ये WBC, RBC हवा में ऐसे सूख जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पपड़ी जम गया है, पूरी तरह नीचे एक चमड़ा बन जाता है। तो इस पपड़ी को नोच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला कटा है, 2 घंटे बाद फिर नोच दीजिए तो फिर ब्लड आने लगेगा। जैसे एक नाली है, उस नाली में अगर मान लीजिए इसे 4 छड़ डाल दीजिएगा इसे, तो क्या होगा? जितना कूड़ा है पीछे से आके फंस जाएगा, पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो ये फाइब्रिन बहुत मदद करता है। समझ आया कि नहीं आ गया? और ये ब्लड जम जाता है, इसी ब्लड को जम जाने को खून का क्या कहते हैं? थक्का जम जाना, जिसको पपड़ी उपड़ी कहते हैं, कहीं कट उठ जाएगा देखिएगा ना जम जाता है। समझ आ गया? ब्लड जमने के कितने स्टेप? 4। सबसे पहला स्टेप क्या था भाई? जो हमारे ब्लड का कौन सा भाग लिया था? प्लेटलेट यानी थ्रम्बोसाइट। जैसे कटा थ्रम्बोसाइट वायु के संपर्क में आया, क्या बन गया? थ्रम्बोप्लास्टिन। यह थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर दिया यानी जगा दिया, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या बन गया? थ्रोम्बिन बन गया।
स्टेप तीन, यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को जलाया एक्टिव कर दिया, तो यह फाइब्रिनोजेन क्या बन गया, फाइब्रिन। कहेगा फाइब्रिन की आकृति कैसी होती है, जालीनुमा, इसमें क्या जम जाता है, तो रुधिराणु जम जाते हैं और ब्लड क्या हो जाता है, थक्का बन जाता है। तो ब्लड के थक्का होने में कहाँ गया विटामिन के, तो बचपन में आदमी बहुत सुना था विटामिन के मदद करता है। तो देखिए ये सारी प्रोसेस को होने में विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन के जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कहता है, हाँ हाँ सारी क्रिया को कहता है जल्दी जल्दी करो। तो ये अलग से भी क्वेश्चन कहेगा, कहेगा कौन सा तत्व तो मदद करता है, कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। तो आप ये समझ में आ गया कि क्लॉटिंग कितने स्टेप में होते हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अभी समझाते हैं कि क्लॉटिंग के और कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का हम एक समरी समझते हैं शॉर्टकट में क्या होता है, उतना तो हम आपको चारों स्टेप बताए, अब उसी चारों स्टेप में से हम आपको एक समरी निकाल के बताते हैं। कहेगा कि ब्लड के जमने में कौन सा रुधिराणु यानी कौन सा कार्पल्स मदद किया था, तो क्या WBC मदद किया था, RBC किया था, नहीं, उस समय मदद किया था थ्रम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। तो रुधिराणु में कौन मदद किया, तो प्लेटलेट मदद किया, याद रखिएगा रुधिराणु में प्लेटलेट। प्रोटीन में कौन प्रोटीन, तो देखिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन बन गया था फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन बन गया था थ्रोम्बिन, यानी ये दोनों प्रोटीन हैं जो मदद किए। कौन सा तत्व तो यानी धातु था, याद कीजिए कैल्शियम। और विटामिन में कहेगा तो विटामिन के, अब ले भाई विटामिन के, ये आप लोग याद रखते हैं विटामिन के। अब ये देखिए ये ब्लड के क्लॉटिंग का एक निगेटिव इफेक्ट है, अगर ब्लड शरीर के अंदर ही क्लॉट कर गया, अगर शरीर के नस में ही जाम होके बैठ गया तो वो नस फटने लगेगा और पीछे से प्रेशर मारेगा ब्लड उसको, हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 जाने का 80 आने का, अब वहीं रास्ते में जम गया अगर ब्लड तो क्लॉट अगर हो गया तो जैसे मार के फाड़ देगा उसको, तो अगर रास्ते में ब्लड जम गया तो फाड़ देगा नस, और इस नस के फट जाने को कहते हैं हेमरेज। तब हेमरेज के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, के, अगर जमा दिया ना विटामिन के तो फिर हेमरेज हो जाएगा, और यह अक्सर ब्रेन में ही होता है क्योंकि ब्रेन के नसें बहुत पतली होती हैं, उसमें खुद ही जगह नहीं होता है, उसी में जाके वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तो हेमरेज हो सकता है। तो शरीर के अंदर ब्लड जमना मौत को खुली चुनौती है, अगर जम गया ब्रेन में तो मर जाएंगे, तो क्लॉट शरीर के अंदर नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गया, इसीलिए शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा है जिसे कहते हैं हेपेरिन, यह हेपेरिन खून को जमाने नहीं देता है। एंटी क्लॉटिंग कौन हो गया, हेपेरिन। अब समझ से समझिए, बड़ी भारी दुविधा है भैया, शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए और कट जाए तो तुरंत जमना चाहिए, इतनी बड़ी दुविधा है क्या किया जाए। तो भगवान इतना होशियार था, पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, उसने हेपेरिन को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि हेपेरिन जो है ना इन सभी पर भारी पड़ता है, कहता है कि तू लोग हमारे रहते हुए कोई चक्कर पकड़ किया काट डालेंगे यहीं पर, तो हेपेरिन अकेले भारी पड़ता है इन लोग पे, यानी हेपेरिन में और इन लोग में पूरी दुश्मनी है क्योंकि ये सारे ग्रुप में मिल के चाहते हैं खून को जमा दे, और ये अकेले कहता है कि जमा दिया ना काट देंगे तुमको हम, तो हेपेरिन में। लेकिन इस हेपेरिन के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर इस हेपेरिन को हवा लग जाएगा ना यानी एयर लग जाएगा तो ये हेपेरिन मर जाएगा। अब एक बात बताइए, दोनों में दुश्मनी था, ये कह रहा था कि हम खून जमाएंगे, ये सब मिलकर कह रहा था खून जमाएंगे, और हेपेरिन कह रहा था कि जब तक हम जिंदा है जमने नहीं देंगे। अब जैसे अब मान लीजिए हमारा बॉडी है, इसमें कहीं तो हवा जाने का रास्ता थोड़ी है, खून के अंदर हवा नहीं जाएगा तो हेपेरिन जिंदा रहेगा, कहेगा अरे अरे फाइब्रिनोजेन विटामिन के चल साइड हट साइड हट, कोई खून जमा दिया तो काट देंगे हम, तो हमारा बॉडी सुरक्षित रहता है। और जैसे कट जाता है, जैसे कटा तो वहाँ हवा लग जाएगा, तो वहाँ का हेपेरिन को हवा लगा कि हेपेरिन मर जाएगा, ये सब कहेंगे से चट्टा कहीं का, बोलता था कि जमा के दिखाओ, देख हम तुम्हारे लाश पे जमाएंगे, देख ए फाइब्रिनोजेन चाचा जमाइए तो जमाइए, और तुरंत वहाँ जमा देंगे सब। तो कितना बढ़िया इन लोगों के बीच एक कॉम्बिनेशन है, अंदर हवा जाएगा नहीं तो रहेगा हेपेरिन जिंदा, जमने नहीं देगा, जहाँ कट गया तो हवा लगेगा हेपेरिन मर जाएगा, ये लोग जमा लेंगे लोग। समझ में आया, आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जब आप इंजेक्शन लगाने जाते होंगे ना तो देखते होंगे डॉक्टर दवा को भर लेता है और थोड़ा सा ना इसे पूरा हवा जो है इसे पीट पीट के और पूरा हवा बाहर निकाल देता है और थोड़ा सा दवाइयों फेंक देता है और तब इंजेक्शन लगाता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि डॉक्टर जानता है, क्या जानता है कि अगर इसमें हम हवा भी भर देंगे तो क्या होगा, जैसे हवा अंदर जाएगा हेपेरिन वहाँ का मर जाएगा
और ये सब पूरे ग्रुप में मिलकर यहाँ पर ब्लड जमा देंगे, और जब जमा देंगे तो यहाँ पर मांस एकदम टाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की नसें मोटी हैं, आदमी मरेगा नहीं, हेमरेज नहीं होगा, लेकिन मांस टाइट हो जाएगा और मरीज को बहुत दर्द करेगा। अरे बाप रे बाप, तो मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब फूल गई लो यहाँ। तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि गलती तो हमरे है, तो कहेगा बाबू गर्म पानी भिगा के सेकिएगा। तो मरीज गर्म पानी भिगा के सेकेगा, अरे बाप, अरे बकलोलवा मरीज जब इंजेक्शन लगता है तो खुद देख लिया कर। इसीलिए देखिएगा, किसी को सेलाइन चढ़ता है ना पानी, तो जब पानी का जो बोतल होता है उसमें से अगर मान लीजिए पानी चढ़ रहा है इसे, तो थोड़ा सा पानी बचा रहेगा ना, तभी नर्स आके रोक देती है, कहती है पता चला, कहेंगे कि पूरा चढ़ाओ, कोई मरीज बीमार पड़ गया, हम उधर चले गए, इधर हवा घुस जाएगा, इसमें हवा घुस जाएगा तो सेलाइन में तो ज़्यादा ही हवा रहता है, पूरा मरीज मर जाएगा। तो ये हेपरिन और फाइब्रिनोजेन समझ में आ गया आप लोग को? हेपरिन जमने नहीं देगा और ये जमा देंगे सब। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हीमोफोलिया। हीमोफोलिया में हेपरिन इतना ना एक्टिव हो जाता है कि कटने के बाद भी नहीं जमने देता है। तो हीमोफोलिया एक बीमारी है जो इंग्लैंड की महारानी से चालू हुआ अनुवांशिक बीमारी, उसमें कटने के बाद ब्लड रुकता ही नहीं है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। समझ में आ गया? हेमरेज के लिए जिम्मेदार विटामिन के, एंटी क्लॉटिंग हेपरिन। समझ में आया? अब ये देखिए ध्यान से, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों मिलकर जमाते हैं और हेपरिन उसको रोकता है, जबकि इन तीनों का निर्माण जो होता है लीवर यानी यकृत में होता है। कहेगा फाइब्रिनोजेन कहाँ बनते हैं? लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन लीवर में, हेपरिन लीवर में। हम जब आपको बहिर्श्रावी ग्रंथि पढ़ा रहे थे तो वहाँ लीवर में ये बात बताए थे कि इन चीज़ों का निर्माण होता है, और वहाँ ये कहे थे कि ब्लड क्लॉटिंग में हम आपको समझाएंगे। आई होप आप ब्लड क्लॉटिंग समझ गए होंगे। इसका PDF मिल जाएगा लिंक में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में समझाते हैं।